नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि टेक्नीशियन के लिए जो एप्लीकेशन मांगे थे रेलवे ने, वो बीच में बंद हो गए थे, लेकिन वैकेंसियों में थोड़ा इजाफा कर करके आपके लिए इसको दोबारा खोल दिया गया है। तो जो विद्यार्थी पहले फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे वो अब कर दें। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी आईटीआई चल रही थी लेकिन फॉर्म जल्दी आ गए, वो पेपर नहीं दे पाए थे, उनका रिजल्ट नहीं आया था, तो वो आईटीआई वाली ट्रेडों में नहीं भर पाई थी। लेकिन आईटीआई का रिजल्ट भी आ गया है तो आप आईटीआई वाली पोस्ट के लिए भी अपना प्रेफरेंस लगा सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं हम टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो मेरे भाई, अगर ओपनिंग की डेट बात करें कि ओपनिंग डेट क्या है, तो इसकी री ओपनिंग डेट है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 16 अक्टूबर 2024 के बीच में रहने वाली है। आपको अपना फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना है क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी गलती होती है, 2 तारीख से 16 के बीच में आप एप्लीकेशन फिल करोगे, उसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके करेक्शन की डेट जो डेट है वो 17 तारीख से आगे 3-4 दिन तक है, तो उसमें आपको करेक्शन में फिर से ₹250 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी से भरना है ताकि आपके ₹250 व्यर्थ ना हो। अगर बात करें कि सर जो वैकेंसी बढ़ी है वो किस में बढ़ी है, तो मेरे भाई वो ग्रेड 3 के अंतर्गत आपकी वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। बात करें कि ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं कैसे भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। जो कैंडिडेट पहले से ही अपना फॉर्म भर चुके हैं वो स्टूडेंट आते हैं पेड कैटेगरी के अंतर्गत। पेड कैटेगरी का मतलब है जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है और फीस जमा कर दी है। तो जो विद्यार्थी फीस जमा कर चुके हैं उन वो दोबारा तो सोचेंगे भी नहीं कि हम दोबारा फीस जमा करें। तो यहाँ पर रेलवे ने आपको सुविधा दी है कि आपको दोबारा फीस नहीं देनी है, उसी फीस में आप अपना प्रेफरेंस आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपना जोन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको वैकेंसी के हिसाब से अपना अगर कोई भी जोन चेंज करना हो तो आप वो चेंज कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका फ़ोटो बेकार था, सही अपलोड नहीं हुआ था, तो फोटो अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर आप अपने चेंज कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस बदल सकते हैं। और यहाँ पर ओल्ड कैंडिडेट विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि उनको अपना कोई नया एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं करना है, पुराना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो है उसी से आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेश कैंडिडेट की, तो मेरे भाई फ्रेश कैंडिडेट अपना सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल करेंगे और वो लोग पूरे के पूरे अपने 40 कैटेगरी, क्योंकि इस बार 22 कैटेगरी और ऐड की गई हैं, यहाँ पर 22 कैटेगरियाँ यहाँ पर ऐड की गई हैं, जिनमें लगभग लगभग आपकी 5000 पोस्टों को बढ़ाया गया है। अगर बात करें कि फ्रेश कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो मेरे भाई जिन विद्यार्थियों ने 10+2 फिजिक्स और मैथ्स में किया है वो यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भर सकती हैं, लेकिन वो उन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें 10+2 के लिए छूट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो वैकेंसी हैं वो आईटीआई वाले स्टूडेंट की हैं, तो उनको उस आईटीआई वाले में यहाँ पर अपना फॉर्म नहीं भरना है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके आपको यहाँ पर अगर बात करें, जो पुरानी पुरानी जो पोस्ट थी वो 9144 थी, यहाँ पर अब बढ़ा करके इनको 14298 यहाँ पर पोस्ट कर दी गई हैं, जो कि पहले ये जो निकली थी वो 18 कैटेगरीज के अंदर थी, अब इनमें 22 को और ऐड कर दिया गया है और ये टोटल कितनी हो गई हैं, 40 कैटेगरी हो गई हैं, टोटल 40 कैटेगरी। अगर बात करें कि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए ये जो 19
जो 22 कैटेगरी बढ़ाई गई हैं इनके लिए प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, तो वो इन 22 को भी अपने प्रेफरेंस में ऐड कर देंगे। अगर बात करें यहाँ पर कि किस ट्रेड में कौन सी, मतलब जो भी आपको जो 22 कैटेगरी बढ़ाई गई हैं उनमें से 22 कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मैं अगर इसको थोड़ा जूम करूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे जाएगा, आप आराम से इसको पॉज कर लीजिएगा, मैंने बीच बीच में से निकाल लिया है क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन कोई पढ़ता नहीं है, इस वजह से मैं आपके लिए छोटा शॉर्ट में करके ले आया हूँ जो आपके काम की चीज़ है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको टेली कम्युनिकेशन के अंदर अंतर्गत, इसमें आप 10+2 वाले यहाँ पर फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है कारपेंटर वाला, तो यहाँ पर कारपेंटर के लिए सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले, आईटीआई वाले भी कौन से जिनकी ट्रेड क्या है कारपेंटर और फर्नीचर की है, और उन्होंने आईटीआई कहाँ से की हुई है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जिसने मान्यता प्राप्त की है एनसीवीटी और एससीवीटी से, इससे नीचे की आईटीआई यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर आपकी आईटीआई ट्रेड किस में होनी चाहिए, आपकी टेक्नीशियन में, आपकी आईटीआई टेक्नीशियन ट्रेड में होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आईटीआई की ट्रेड होगी, जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपकी आईटीआई उस ट्रेड में है, उसी हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पर सेट कर दोगे। यहाँ पर देखें 19वीं ये है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये यहाँ पर 28, 29 और 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये कैटेगरियाँ हैं जहाँ पर वैकेंसी बढ़ी हैं, और ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो आप आराम से देख लेंगे कि आपकी आईटीआई किस ट्रेड में है, और वहीं पर जाकर के आप अपना प्रेफरेंस सेट कर देंगे। अगर बात करें कि सर कौन सी जोन में कितनी वैकेंसियां हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसियां हैं, तो मैं आपके लिए एक पूरी टेबल बना के ले आया हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसियां यहाँ पर रहने वाली हैं। तो मेरे भाई जो भी ये वैकेंसी बढ़ी हैं वो आपकी वर्कशॉप के अंतर्गत बढ़ी हैं। इन पुरानी वैकेंसी हम ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में, ये भी ग्रेड 3 के अंतर्गत आती है वर्कशॉप, लेकिन जो पहली वैकेंसी थी वो ये है, अब जो बढ़ाई गई हैं वो ये बढ़ाई गई हैं। ये जोन के हिसाब से अगर अहमदाबाद की बात करूं तो 254, अजमेर आपका 378, बंगलोर की बात करूं तो 195, भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर 82 बढ़ाई गई हैं, भुवनेश्वर की बात करूं तो 16, बिलासपुर की बात करूं तो 72, चंडीगढ़ की बात करूं तो मैं 76, और यहाँ पर चेन्नई, दोस्त चेन्नई में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1883 वैकेंसी बढ़ाई गई हैं वर्कशॉप के अंतर्गत, 1883 वैकेंसी यहाँ पर बढ़ाई गई हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि 14,298 वैकेंसी में से 2716, 14,000 में से 2716 वैकेंसी तो सिर्फ चेन्नई चेन्नई के लिए है, यहाँ पर जो चेन्नई में है। गोरखपुर में यहाँ पर आपकी बढ़ाई गई 214, गुवाहाटी में 140, जम्मू कश्मीर में 430, कोलकाता में 592, यहाँ पर मालदा, मालदा में यहाँ पर नहीं है, मुंबई, मुंबई में 599, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है, पटना में नहीं है आपकी, प्रयागराज में नहीं है वर्कशॉप के अंतर्गत, रांची में नहीं है, और आगे देखें हम तो सिकंदराबाद, यहाँ पर सिकंदराबाद में आपकी 215, और सिलीगुड़ी में आपकी 8, और यहाँ पर त्रिवंतपुरम में भी आपको वर्कशॉप के अंतर्गत वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको
पूरा का पूरा मैंने एक चार्ट दे दिया है जिसमें वैकेंसी किस प्रकार कैसी भरी है। तो आपको सावधानी से अपना फॉर्म फिल करना है ताकि गलती ना हो और जो बाद में करेक्शन के रूप में 250 रुपये लिए जाएंगे उससे बचा जाए। और अपना प्रेफरेंस सोच समझ के, क्योंकि आपको जिस जोन से आप भरोगे नौकरी वहीं पे करनी है, तो सोच समझ के आपको अपना यहाँ पर प्रेफरेंस और अपना जोन बनना है कि किस जोन से हमें बनना है बहुत अच्छे से। बाकी किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए, कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, जिसका कि आपको आंसर बहुत जल्द दे दिया जाएगा। बाकी अगर एनटीपीसी, रेलवे की ग्रुप डी, एएलपी और यहाँ पर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन का सिलेबस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और थोड़ा सा आता है आपका जीएस वाला पोर्शन, तो आपका मेन यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और साइंस है, जिसकी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर रेगुलर करवाई जा रही है। जी हाँ मेरे दोस्त, मैथ, रीजनिंग और साइंस की बेहतरीन क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री, रेलवे की तैयारी एकदम फ्री करवाई जा रही है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी आपको, जैसे जिन्होंने इन्होंने पोस्ट जैसे ही बढ़ाएंगे और तुरंत आपको फॉर्म फिल करने के लिए दे दिया, और फॉर्म फिल करने के दूसरे दिन से ही करेक्शन डेट भी दे दी। इनकी तेजी को देखकर ऐसा लगता है कि ये पेपर दिसंबर में करवाने की सोच रहे हैं। दिसंबर में अगर नहीं हुआ तो जनवरी में आपको इसका परीक्षा डेट देखने को जरूर मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, उसके लिए आपको चैनल पे एकदम फ्री, पूरी अच्छे तरीके से बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचरों से आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। वहाँ पर जाकर आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसी कर लें कि पहला पेपर हो तो पहला और अगला आप सोचें ना, क्योंकि यही आपका अंतिम पेपर होना चाहिए। इस पेपर के बाद आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।